सरहदी इलाके मच्छल की अंदरूनी सड़कें बर्फ से हनूज बंद, आम लोग गुनागुन मुश्किलात से दो चार। पुछवारी से मच्छल तक एक मरीज को पहुंचाया गया चारपाई के जरिए अस्पताल। शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके मच्छल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, जिसमें एक मरीज को करीबन 3 किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है मुस्कुरा शख्स इलाके में सबके नंबरदार की हैसियत से काम कर रहे थे। इस बीच मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि सरहदी इलाके मच्छल की अंदरूनी सड़कें बर्फ़ की वजह से बंद पड़ी है और आम लोगों के अबूर मरूर में काफ़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी है। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से अपील की है कि मच्छल के अंदरूनी सड़कों पर बर्फ़ हटाया जाए। इस ज़मन में जब हमने DDC कलारूस चौधरी मुस्तफा राही से बात की तो उन्होंने यूं कहा। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे ये सवाल करा। मैं आपको थोड़ी सी इस बारे में जानकारी दूं कि जैसे कि आपको पता है हमारा जो अभी मेन रोड जो हमारी है मच्छल जी, तो वो कल शाम को थ्रो हुई है। तो अभी कल शाम को लेट में यहाँ से 8 किलोमीटर उसको बोलते हैं 1 किलोमीटर वहाँ तक खुद भी गया हुआ था। कल मैंने जब सुना कि बहुत सारे जैसे हम एक नौनवानी हल्का है वहाँ के लोग भी कह रहे थे कि रास्ता बंद है, हमें बड़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फिर मैं लास्ट लेट मेरे साथ ये कंसर्न चौकी अफसर वो भी गए थे तो हम वहाँ तक देख के आए। तो आज जाके जब वो रास्ता खुला है तो आज भी मच्छल वाली रोड पे नो मोमेंट रखा गया था, क्योंकि जहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह है क्लियर हो जाए तो ताकि आराम से ये लोग मतलब मच्छल से यहाँ कुपवारा की और या कुपवारा से मच्छल जा सके। तो जो ही ये क्लियर होता है तो इंशाल्लाह कल परसों, मैंने पहले ही परसों भी ये चीज कही है कि 1-2 दिन में बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ वहाँ पे सारी जितनी भी लिंक्स वो बंद है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ताकि वो टाइमली खुल जाए, 1-2 दिन में हो जाएगा कम्प्लीट। बिल्कुल वीडियो मैंने देखा है, प्रॉब्लम हुई है उनकी, बट कल ये थ्रो हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि किसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस भी ठेकेदार के पास है तो हम उसको टाइमली भेज के वो पर आप कब तक वो एक्सपेक्ट करेंगे कि फास्ट बेस पे जो कि वो मसला वहाँ पे उसको हल किया जाएगा? मैं यही है बस, कल ये रोड थ्रो हो जाए और मैं आज ही बात करता हूँ, वैसे मैंने बात करी भी है, तो जिस जिसके पास होगा तो हम उसको कल ही भेज देंगे उन लोगों को, ताकि वो जाके जिसका जिसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसने भी वहाँ पे बर्फ उठाने का जो इनर लिंक से उनके टेंडर वगैरह लिया होगा ताकि वो टाइम पे हल हो जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में उनके जितने भी इनर लिंक्स हैं वो खुल जाएंगे। थैंक यू सर।